शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफाना शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने और इक्तसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए इस्लाहात लाने का पहला मरहला शुरू कर दिया है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मुआशी और सियासी सूरतेहाल पर गौर किया जा रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने करतारपुर राहदारी के बारे में मुआहदे के मुसव्वदे के हवाले से भारत के रद्दअमल पर अफसोस का इजहार किया है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोजा बैन अलावा क्रिकेट मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। खबरें तफसील के साथ। वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ की फराहमी का पहला मरहला शुरू कर दिया है और वो इक्तसादी सहकाम के हुसूल के लिए इस्लाहात मुतारफ करा रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एंकर पर्सन के ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक लाए अमल वजह करने के लिए मुतालिका फरीकों के साथ मुशावरत की गई और मुश्किल फैसले करने पड़े। वजीर खजाना ने कहा कि इस्लाहाती पैकेज का मकसद मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि टैक्स सरमायाकारी पर नहीं बल्कि मुनाफे पर लगाए जाएंगे। असद उमर ने कहा कि मकामी सनत की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मालियाती पैकेज फराहम किया गया है। उन्होंने कौमी मैशत की तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने और मुहासिल और बरामदात में इजाफे के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मालियाती बिल में मुकर्रर करदा अहदाफ इस 7 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। वजीर खजाना ने कहा कि सरकारी इदारों में असल मसला नज्म नसक का है। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वजीर आजम इमरान खान सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि भारत करतारपुर राहदारी के बारे में मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बचकाना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहा है। आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पीर को भारतीय हुकाम के साथ वजीर आजम के विजन की रोशनी में मुआहदे के मुसव्वदे का तबादला किया था और भारतीय वफद को मुआहदे पर बातचीत और इसके खदोखाल को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी। ताहम उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की तजवीज का जवाब देने के बजाय इस मकसद के लिए पाकिस्तानी टीम के नई दिल्ली के दौरे के हवाले से 2 तारीखें भेजी हैं। तर्जुमान ने यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान भारत के बरक्स इंतहाई बालोक नजदीक का मुजाहरा करते हुए इसी इंतहाई अहम मामले पर मुस्बत रद्दअमल का इजहार करते हुए भारतीय इकदाम का जल्द मुस्बत जवाब देगा। अफगान मफाफती अमल के बारे में एक सवाल के जवाब पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और कतर दोहा में अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत में जरूरी मदद और सहूलत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और मफाफती अमल के बारे में पाकिस्तान का मौकिफ यही रहा है कि अफगानिस्तान और पूरे खत्ते में बड़े पैमाने पर अमन इस्तेहकाम के लिए अफगानों के दरमियान बातचीत और सियासी मुजाकिरात आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। बिजली के वजीर उमर अयूब खान ने काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में बोली देने के अमल के लिए डेनमार्क के सरमायाकारों की पुख्ता अज़्म का खैर मकदम किया है। उन्होंने इन ख्यालात के साथ पाकिस्तान में डेनमार्क के सफीर रुल्फ माइकल हे की क्यादत में डेनमार्क के काबिल तजदीद तवानाई के सरमायाकारों के साथ मुलाकात किया। हुकूमत ने मजाज फोरम की तरफ से काबिल तजदीद तवानाई की पॉलिसी की मंजूरी के बाद इस साल काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों के लिए बोली की मंसूबाबंदी की है। अक्वामे मुत्तहिदा ने वेनेजुएला में बदअमनी के दौरान होने वाली हलाकतों के बारे में आजादाना तहकीकात पर जोर दिया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान स्टीफन डुराश ने एक बयान में कहा कि गुतरेस ने मुनक़सम मुल्क में तमाम फरकों पर जोर दिया है कि वो पुरअमन मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 एक रोजा बैन अलावा मैचों की सीरीज का तीसरा मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। खबरें खत्म हुईं।
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.uv.pk۔